इट इज़ द करेंट इंटरप्शन बिफोर द नेचुरल करेंट जीरो, मतलब एसी करंट का जो साइनोसोइडल वेव होता है, करंट जिस पॉइंट में नेचुरली जीरो होती है उससे पहले ही सर्किट को ब्रेक करके करंट के वैल्यू को जीरो कर देते हैं, इस फेनोमेनन को करंट चॉपिंग बोला जाता है। जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट जो रहता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, तो जब मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से सेपरेट होता है तो वहाँ पर आर्क का फॉर्मेशन होता है, एंड इस आर्क को इंटरप्ट करने के लिए हाई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। एसी करंट में जब इस पॉइंट पर करंट का वैल्यू जीरो होती है तो उस टाइम डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई कर देते हैं, जिससे करंट का वैल्यू जब जीरो होती है उसके बाद करंट इंक्रीज ही नहीं होती है। बट जब करंट की वैल्यू नेचुरली जीरो हो उससे पहले ही आर्क को इंटरप्ट कर देते हैं जिससे सर्किट ब्रेक हो जाती है, तो इस प्रोसेस को करंट चॉपिंग बोलेंगे। पावर सिस्टम में अगर नेचुरल जीरो होने से पहले करंट की वैल्यू को जीरो करेंगे तो सिस्टम में एक हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू लार्ज इंडक्टेंस इन द सिस्टम। इंडक्टेंस करंट को अपोज करता है बाय इंड्यूसिंग अ वोल्टेज, इसलिए करंट चॉपिंग फेनोमेनन जो है वो लो करंट को इंटरप्ट करने के लिए किया जाता है, लाइक मैग्नेटाइजिंग करंट इन ट्रांसफॉर्मर, जिसको नो लोड मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोलते हैं। उसकी वैल्यू कम होती है, उसको नेचुरल जीरो होने से पहले ही हम लोग इंटरप्ट कर सकते हैं। बट इस सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि सर्किट को ब्रेक करने के लिए जो सर्किट ब्रेकर का यूज़ करेंगे उसका आर्क इंटरप्टिंग पावर जो है वो फॉल्ट करंट पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब फॉल्ट करंट के वैल्यू पे सर्किट ब्रेकर का जो इंटरप्टिंग पावर है वो डिपेंड नहीं होना चाहिए। करंट चॉपिंग जो है वो मेनली एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में ऑकर होता है, क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हाई प्रेशर के साथ एयर का ब्लास्ट कराते हैं, जिससे नेचुरल जीरो आने से पहले ही किसी पॉइंट पे करंट को इंटरप्ट कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, यहाँ पर सोर्स साइड है एंड इधर लोड साइड है। लोड साइड में फॉल्ट आ चुका है इसलिए जो सर्किट है वो शॉर्ट हो चुका है। जब एसी सप्लाई इस इंडक्टर से फ्लो करते हुए आएगी तो जो इंडक्टर है वो कुछ एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर लेती है, एंड सपोज यहाँ पर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है जिसका मेन पर्पस होता है मूविंग कॉन्टैक्ट के मूव करने के बाद जनरेटेड आर्क को रिमूव करना। इंडक्टेंस है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है, एंड जो सर्किट ब्रेकर है वो आर्क को रिमूव कर चुका है इसलिए करंट इधर से फ्लो नहीं करेगी। नाउ करंट के पास ओनली वन पाथ अवेलेबल है, वो इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर सकती है। जब करंट इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगी तो कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करेगा, जिससे कैपेसिटर में वोल्टेज डेवलप होगा। नाउ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का जो वैल्यू होगा उसको फाइंड करना है, सिंस एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो एनर्जी को ओनली वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। EM इज इक्वल टू EC। अब कैपेसिटर वोल्टेज एंड मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज जो है दोनों को इक्वल करेंगे, देन 1/2 LIa² इज इक्वल टू 1/2, दैट इज कैपेसिटर वोल्टेज। 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन VA² इज इक्वल टू IA² L/C, और वी कैन राइट V इज इक्वल टू I√L/C। यहाँ पर सर्किट को इस तरह डिजाइन करके ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज और इट इज़ द वैल्यू अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, क्योंकि यहाँ पे कोई और एलिमेंट्स कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट केस में जब करंट का चॉपिंग हुआ तो वहाँ पे आर्क एक्सटिंग्यूज हुआ, लेकिन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में हाई वोल्टेज के कारण जो मीडियम है वो अगेन आयोनाइज्ड हो जाता है एंड वहाँ पे फिर से आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर से सर्किट ब्रेकर एक्शन परफॉर्म करेगा एंड नेचुरल जीरो से पहले करंट को इंटरप्ट करेगा, बट इस बार आर्क करंट की जो वैल्यू होगी वो कम होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम करंट की चॉपिंग इस पॉइंट पर हुई थी, इस बार इस पॉइंट पर हो रही है।
एंड सेकेंड टाइम आर करंट की वैल्यू सर्किट रेजिस्टेंस के कारण भी कम होगी, इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ऑफ आर्क, वन और मोर चॉपिंग के बाद आर्क कंप्लीटली रिमूव हो जाता है बिफोर द नेचुरल करंट जीरो। एंड ये जो दो तीन पॉइंट पे करंट का चॉपिंग होता है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, एंड बिफोर नेचुरल करंट जीरो करंट को इंटरप्ट कर देता है जिससे सर्किट ब्रेक हो जाती है। ग्राफ में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, जब वोल्टेज स्लोली रिड्यूस हो रहा है तो आर करंट की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है। एंड एक टाइम ऐसा आता है वोल्टेज का वैल्यू इतना कैपेबल नहीं होता है जिसके कारण सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टेक्ट्स के बीच आर्क बन सके एंड करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है बिफोर नेचुरल जीरो ऑफ द एसी करंट। तो मेनली जो चॉपिंग है वो क्या होता है, नेचुरली जब करंट जीरो होती है साइनोसोइडल वेव में जो दिखता है हम लोगों को, एक पॉइंट पे करंट नेचुरली जीरो होती है, तो उस नेचुरल जीरो से पहले ही जब हम लोग करंट को इंटरप्ट कर देते हैं तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे करंट चॉपिंग। इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।